काकास कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आपको आपकी पूरी फैमिली के लिए मिलेगा निमाड़ का अपना स्वाद, अंबाड़ी की भाजी, ज्वार की रोटी, दाल बाफले और तमाम स्नैक्स जैसे सैंडविच, चाइनीज और तंदूरी चाय। तो चले आइए हमारे पते पर, इंदौर रोड, खंडवा। भारत सरकार के द्वारा 2023-2024 का जो आज बजट पेश किया गया, इसके लिए मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ और हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो बजट पेश किया है, अंतिम छोर के व्यक्ति तक ध्यान में रखते हुए ये बजट किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासी बाहुल्य के क्षेत्र के लिए और मध्यम वर्गीय के लिए ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। इस बजट के माध्यम से निश्चित रूप से सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए ध्यान में रखा गया है और व्यक्ति विकास के साथ साथ सभी क्षेत्रों का भी विकास करते हुए इस बजट को पेश किया गया है। पहली बार रेलवे के क्षेत्र में इतनी राशि बढ़ाकर दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ज्यादा से ज्यादा गरीबों को पक्की छत का मकान मिले, इसके लिए 66% पिछली बार के बजट से बढ़ाकर दिया गया है। किसानों के उत्थान के लिए 1 करोड़ से अधिक किसान जो है कि जैविक खेती पर निर्भर हो, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से उसमें प्रावधान किया गया है। महिलाओं की बचत को ध्यान में रखते हुए उनके लिमिट को बढ़ाया गया है कि कपड़ा और मकान, इन तीनों जो मूलभूत आवश्यकता है, इन मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बना है। रोटी से मतलब है कि आज 82 करोड़ जनता को आपके द्वारा निःशुल्क अनाज दिया जाएगा। कपड़े का रोजगार का मतलब है कि लोगों को ज्यादा ज्यादा रोजगार दिया जाएगा। ये किसानों के भलाई के लिए है, ये महिलाओं के भलाई के लिए है, युवाओं के लिए भलाई के लिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने जो 157 कॉलेज थी, मेडिकल कॉलेज थी, उसमें 157 मेडिकल कॉलेज के साथ में नर्सिंग कॉलेज को जोड़ने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे आदिवासी समाज के लोगों के लिए एकलव्य विद्यालय के उन्नयन के लिए विशेष रूप से राशि दी गई है और मध्यम वर्गीय के लिए जहां पर 5 लाख रूपये तक के हमारे पहले इनकम टैक्स में जो छूट थी, इस इनकम की छूट को आपने 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक कर दिया। 7 लाख रुपए तक की किसी को 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा मध्यम वर्गीय को भी विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।